आपका हमारे चैनल सिटिया कंप्यूटर में स्वागत है। मैं इस चैनल पे आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी लाता रहूँगा। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए एमएस वर्ड में मैं आपको ऐसे दो ट्रिक बताऊँगा जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। चलिए पहली समस्या मुख्यतः ये होती है, जनरली जब कभी भी हम किसी वेबसाइट से या गूगल से कोई भी टेक्स्ट अगर कॉपी करके मैं एमएस वर्ड में पेस्ट करता हूँ तो जनरली क्या होता है, वो कभी एक सीक्वेंस में नहीं रहता। कभी कभी होता है क्या, वो लाइन के बाद अगला टेक्स्ट ब्रेक होकर नीचे वाली लाइन में चली जाती है और इससे फिर आपको सॉल्व करना होता है, इसे फिर एडिट करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं सेविंग डेटा है, डेटा के बाद एंड है, मुझे डेटा के बगल में अगर एंड को लानी है तो फिर आपको ए के आगे कर्सर रखना होगा, फिर आपको बैक स्पेस प्रेस करना होगा। उसी तरह से सिस्टम के बगल में अगर ये बिफोर लाइन को लानी है तो फिर आपको बी के आगे कर्सर रखना है, फिर आपको बैक स्पेस देना है। प्रोसेसिंग को अगर आपको फिर सेट करना है तो पी के आगे कर्सर रख कर आपको बैक स्पेस देना है। इस तरह से आप धीरे धीरे करके काफ़ी समय आपका चला जाता है इस तरह के एडिटिंग करने में। तो मैं आपको अभी कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका ये समस्या तुरंत सॉल्व हो जाएगी अभी। ओके, तो पहली समस्या के बारे में मैंने आपको बताया था जिसमें आप किसी भी तरह का टेक्स्ट को अगर किसी वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट करते हैं वर्ड में तो ये एक लाइन में नहीं रहता है। ये क्या होता है, कभी कभी अपने लाइन से ब्रेक होकर नीचे चला आता है। जैसे ये एंड के बाद इंस्ट्रक्शन को होना चाहिए था लेकिन वो एंड के नीचे वाले लाइन में आ गया है, इनटू के बाद द सिस्टम चला आ गया है। तो इसको आपको फिर ठीक करने के लिए फिर आपको इंस्ट्रक्शन के आगे कर्सर रख के बैक स्पेस देना पड़ता है, द के आगे कर्सर रख के फिर इसे आप बैक स्पेस दे के सेट करेंगे। तो जिसमें कि आपका काफ़ी समय जा रहा है तो मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैं पहले अंडू दे के इसको पहले जैसा कर दूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट पैराग्राफ के आगे कर्सर रखिए और कंट्रोल प्लस एच प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्लस एच। आप जैसे कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे ये रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपका आ जाएगा। इसे आप अगर माउस से लाना चाहते हैं तो ये एडिटिंग टैब है, एडिटिंग टैब में आप रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप दो ऑप्शन देख पा रहे हैं, एक फाइंड व्हाट और एक रिप्लेस विथ। आपको करनी क्या है, फाइंड व्हाट ऑप्शन में जाकर आपको कैरेट का साइन देना है। कैरेट साइन के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करके 6 प्रेस करनी है, शिफ्ट प्लस 6 कैरेट। चूंकि आपको पैराग्राफ को सेट करना है इसलिए कैरेट के बाद आपको पी प्रेस करनी है, पी लेटर लिखना है। और रिप्लेस विथ डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे जाइएगा आप। जाने के बाद एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब रिप्लेस विथ में क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक स्पेस ऑलरेडी, इस तरह से माउस क्लिकिंग के समय अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो एक स्पेस ऑलरेडी पहले से रहता है। तो इसलिए आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले आप बैक स्पेस देके कंफर्म हो जाइएगा कि आपका कर्सर स्टार्टिंग में ही हो। हाँ, उसके बाद रिप्लेस विथ में जाकर सिंगल स्पेस प्रेस करें आप, एक स्पेस ओनली। ओके ओके, सो फाइंड व्हाट में आपको कैरेट एंड पी एंड रिप्लेस विथ में जाके ओनली वन स्पेस प्रेस करना है। उसके बाद रिप्लेस ऑल बटन में आप क्लिक कर दें। देखिए जैसे आप रिप्लेस ऑल बटन में क्लिक करते हैं आपका सारा टेक्स्ट जो है वो एक प्रॉपर वे में एक पैराग्राफ में आकर ऑटोमेटिकली सज गया है ना, ये एमएस वर्ड का एक मैजिक। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ये सेपिया कंप्यूटर मेरी अपनी इंस्टीट्यूट है जो पश्चिम बंगाल जिला पश्चिम बर्धवान के पोस्ट चितरंजन में स्थित है। हमारे आसपास में जो भी लोग रहते हैं अगर वो ऑफलाइन क्लास करना चाहें तो हमारे सेंटर में आकर के क्लास कर सकते हैं। दूसरी और बड़ी समस्या ये भी अक्सर देखा गया है, जब कभी भी किसी भी वेबसाइट से आप कोई टेक्स्ट को अगर कॉपी करके पेस्ट करते हैं एमएस वर्ड में तो जनरली हम सभी देखते हैं कि इसके बीच में कभी कभी बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो इसे सही करने में आपका काफ़ी समय चला जाता है, आपको कर्सर वहाँ पर रख के फिर बैक स्पेस से उसे एडजस्ट करने पड़ती है।
इसमें आपका काफ़ी टाइम जाता है। तो मैं इस ट्रिक में आज आपको बताऊंगा कि आप इसे जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी और एक बड़ी समस्या ये भी देखने को मिलता है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट किसी वेबसाइट से आप एमएस वर्ड में पेस्ट करते हैं तो वो बीच में इस तरह से बहुत गैप रह जाता है, बहुत सारा स्पेस आप देख सकते हैं, इस तरह से स्कैटर्ड हो जाती है बहुत ये पैराग्राफ। तो फिर इसे आपको सेट करने के लिए फिर आपको एडिट करना पड़ता है और आपको लेटर के आगे कर्सर रख के आपको बैक स्पेस प्रेस करनी पड़ती है, जो कि आपका काफ़ी समय आपका बर्बाद हो जाता है इसे आपको सेट करने में। तो चलिए मैं आपको इसका भी एक प्रोसेस, एक शॉर्टकट, एक प्रोसेस बता देता हूँ जिससे आप इस समस्या को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट पैराग्राफ के आगे आपको कर्सर रखना है और कंट्रोल प्लस एच प्रेस करें, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करने से एक रिफाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपका आ जाएगा। इसे आप माउस से अगर लाना चाहते हैं तो ये एडिटिंग टैब है, एडिटिंग टैब के ऊपर में ये रिप्लेस ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करें। इसमें क्लिक करने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आप देख सक रहे हैं। यहाँ पे आपका दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक फाइंड व्हाट और एक रिप्लेस विद दिया हुआ है। पहले वाले फाइंड व्हाट ऑप्शन में आपको कैरेट का सिंबल देना है। कैरेट के सिंबल के लिए आपको जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं शिफ्ट प्लस सिक्स प्रेस कीजिएगा। आप शिफ्ट प्लस सिक्स प्रेस करके आपको W प्रेस करना है, ओके। और फिर रिप्लेस विथ ऑप्शन में जाकर आप क्लिक कर दें और बैक स्पेस मार के ये कंफर्म हो जाए कि आपका ये कर्सर एकदम स्टार्टिंग पोजीशन में ही होना चाहिए, ओके। तो आप यहाँ पे कर्सर प्रेस करके जस्ट एक स्पेस प्रेस कीजिए, ओनली सिंगल स्पेस, ओके। उसके बाद आपको रिप्लेस ऑल ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। आप जैसे रिप्लेस ऑल में क्लिक कीजिएगा एक ऑप्शन आएगा ऑल डन वी मेड 93 रिप्लेसमेंट्स, मतलब इसको आप ओके कर दीजिए, इसको भी आप क्लोज कर दीजिए। अब आप देख सक रहे हैं कि बीच में जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा स्पेस था वो सभी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। तो आशा करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।